अभी हम लोग जाते हैं सेकेंड मॉड्यूल में। अभी मैं आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन का मैं जिस्ट देता हूँ। दूसरा मॉड्यूल जो है उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अंदर आप लोग क्या करो, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो 3 क्वेश्चन है ये अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, तो मैंने आपको फंक्शंस में ऑलरेडी बताया था कि अप्रेजल का मतलब क्या होता है, चेक करना या इवेल्युएट करना। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो होता है वो इवेल्युएट किया जाता है, चेक किया जाता है, और ये फाइंड आउट किया जाता है कि एम्प्लॉय में अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस है जॉब को लेके। जैसे उसका काम का क्वालिटी बहुत अच्छा है तो उसका स्ट्रेंथ है, लेकिन उसका स्पीड बहुत कम है तो ये उसका वीकनेस हो गया। उसका बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा है तो ये उसका स्ट्रेंथ है, लेकिन वो पर्सन जो है उसको इनिशिएटिव नहीं लेता है किसी भी काम में तो उसका वीकनेस है। तो ऐसा पूरा एक रिपोर्ट बनाया जाता है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोला जाता है। इसके लिए यहाँ पे डेफिनेशन में देखो लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन है जिसमें एम्प्लॉय के जॉब के बारे में जो भी स्ट्रेंथ है और वीकनेसेज है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स पढ़ने हैं, सिर्फ इतना ही याद रखना कि अगर एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाएगा या चेक किया जाएगा तो उसके क्या फायदे होंगे। तो 2-4 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे कि परफॉर्मेंस चेक करने की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयज को कॉम्पेंसेशन कितना पे करना है, प्रमोशन देना है कि नहीं, फिर बाद में उनको ट्रेनिंग की जरूरत है क्या, ये सब चीजें डिसाइड करने में हेल्प होगी। उसके अलावा आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हो यहाँ पर। देन लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है और उसका एक रिपोर्ट बनाया जाता है जिसमें लिखा जाता है एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेज करते समय, चेक करते समय सुपीरियर काफी ज्यादा बायसनेस भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जो क्लोज है उसको शायद तक अच्छे से रेटिंग दिया जाता है, ज्यादा स्कोर दिया जाता है, जबकि उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। और कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय हो सकता है जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है लेकिन उसके साथ उतना ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है, इसके लिए उसको कम स्कोर दिया, ऐसा प्रॉब्लम भी परफॉर्मेंस अप्रेजल में हो सकता है। सो बेनिफिट तो आप लोग लिख पाओगे कि परफॉर्मेंस अप्रेज अगर अगर एम्प्लॉय का होगा तो क्या फायदे होंगे, उसी तरीके से आपको उसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशन या प्रॉब्लम भी लिखने आना चाहिए। इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, एक बार अगर आप लोग सुनोगे तो हालो इफेक्ट क्या होता है, हॉर्न इफेक्ट क्या होता है, वो आपको पता चलेगा। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दो पॉइंट जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय के अंदर कोई भी एक पॉजिटिव चीज होगी तो बाकी सब चीजों के लिए भी उनको पॉजिटिव कंसिडर करके हायर स्कोर दिया जाता है। जैसे एम्प्लॉय का बिहेवियर काफी अच्छा है, बाकी उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, जैसे उसके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उसको इनिशिएटिव लेने को होता नहीं है, काम का क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्वांटिटी भी अच्छा नहीं बनाता है, मतलब स्पीड बहुत कम है, लेकिन उसका एक क्वालिटी अच्छा है, इसके वजह से उसको बाकी सब चीजों के लिए भी क्या किया जा रहा है, हाई स्कोर दिया जा रहा है। मतलब एक ही चीज को देख के यहाँ पे दूसरे सब चीजों का स्कोर दिया जाता है, दैट इज हालो इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट उसके अपोजिट होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर का एक नेगेटिव चीज देखा जाता है और उसके वजह से बाकी सब चीजों को लो स्कोर दिया जाता है। जैसे कि एम्प्लॉय का काम का स्पीड जो थोड़ा कम है, बाकी वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय, मतलब क्वालिटी भी उसके काम की बहुत अच्छी है, इनिशिएटिव भी लेता है, बिहेवियर भी अच्छा है, लीडरशिप भी अच्छा है, लेकिन एक नेगेटिव चीज उसके अंदर है जिसके वजह से दूसरे सब चीजों के लिए भी उसको लो स्कोर दिया जाता है। इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो उसमें क्या क्या लिमिटेशन आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, ये आपको पढ़ना है। देन मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों आपको अलग अलग से पढ़ना है, ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स। ओके, आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि मॉडर्न मेथड में क्या आता है या ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है। डिटेल इसका आंसर आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो उसका पूरा वीडियो अवेलेबल है तो वहां पे आप लोग देख लेना। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना, बेनिफिट्स लिमिटेशंस एंड मेथड्स। देन ट्रेनिंग के अंदर भी आप लोगों को पढ़ना है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, तो ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है जहाँ पे उनका नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और सोशल बिहेवियर जो होता है वो इम्प्रूव किया जाता है। ट्रेनिंग काफी जरूरी होता है बिकॉज विदाउट ट्रेनिंग अगर आप एम्प्लॉय को काम पे रखोगे या उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नहीं दोगे तो ऑब्वियसली उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। सो कोई भी काम जब आप लोग एम्प्लॉयज को देते हो तो उसके पहले उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसके लिए यहाँ पे क्या बोला है, ट्रेनिंग एक प्लान प्रोग्राम है। प्लान प्रोग्राम मतलब पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि किसको ट्रेनिंग देना है, कितना ट्रेनिंग देना है, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, एवरीथिंग इज प्री प्लान। ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉय की 4 चीजें इंप्रूव होती है, एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल, एटीट्यूड और सोशल बिहेवियर। मतलब आप लोग जब भी कॉलेज में से जाते हो तो आप लोगों के पास थियोरेटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को जॉब पे जब आप ट्रेन होते हो तभी आपको पता चलता है। स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं, मतलब आपको मशीन्स वगैरह हैंडल करने को आता है, माइंड एप्लीकेशन वगैरह करने को आता है। एटीट्यूड, जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपका एटीट्यूड थोड़ा कैजुअल होता है, पर जैसे ही आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपका एटीट्यूड काफी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, या फिर आप लोग क्या करते हो हर एक चीज को एक अलग एटीट्यूड से देखते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखते हो, तो आपका फुल टोटल एटीट्यूड ट्रेनिंग चेंज कर देता है। सोशल बिहेवियर मतलब लोगों के साथ बिहेव करने का, ये भी आपके साथ इंप्रूव होने में हेल्प होता है। सो ट्रेनिंग जो होता है एम्प्लॉय की चार चीजों को इम्प्रूव करता है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड सोशल बिहेवियर। और ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने में हेल्प होता है, ऐसा आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है। ट्रेनिंग के मेथड्स लिखने हैं ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब क्या होता है, काम के साथ साथ ट्रेनिंग दिया जाता है, और ऑफ द जॉब मतलब काम से दूर लेके ट्रेन किया जाता है और फिर काम पे प्लेस किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे किसी सेल्समैन को अगर ट्रेनिंग देनी है तो मैं उसको मेरे साथ लेके जाऊंगा, मैं कैसे क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ वो देखने के लिए बोलूंगा, और फिर बाद में उससे मैं उसको क्या करूंगा, ट्रेन करूंगा। ये ऑन द जॉब है क्योंकि काम के साथ साथ मैं उसको सिखा रहा हूँ। लेकिन सपोज कोई पायलट है, तो पायलट को हम लोग डायरेक्टली प्लेन नहीं दे देंगे कि भाई ये प्लेन में बैठो और उड़ाना सीखो करके, पहले हम लोग उनको क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल प्लेन देंगे, उसमें सिखाएंगे, फिर उनको एक्चुअल प्लेन में बिठाएंगे। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गया। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग वहां से ये सारे जो मेथड से अच्छे से समझ लेना। कोई भी चार चार मेथड्स भी आप लोग पढ़ोगे तो भी बहुत हो गए, मतलब एग्जाम में लिखने के लिए। बाकी सुनो सबको, बिकॉज यहाँ पे किसी का भी आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो सारे मेथड अच्छे से सुनना, केयरफुली सुनना, समझ लेना, लेकिन लिखते समय चार चार पॉइंट लिखोगे तो चलेगा। फिर ट्रेनिंग में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, मतलब जब आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हो तो वो ट्रेनिंग इफेक्टिव हुआ कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। सो उसके तरीके दिए हैं यहाँ पर, तो आप एम्प्लॉयज का फीडबैक ले सकते हो कि उनको ट्रेनिंग कैसा लगा, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज जो भी ट्रेनीज है उनके फेस से या उनके बिहेवियर से आपको पता चलेगा उनको ट्रेनिंग कैसा लग रहा है। टेस्ट रीटेस्ट मेथड मतलब क्या होता है कि आप एम्प्लॉयज को पहले काम दोगे, फिर देखोगे उसका रिजल्ट कैसा है, फिर उनको आप ट्रेनिंग दोगे, फिर ट्रेनिंग के बाद में वापस से काम देके देखोगे उनका रिजल्ट कैसा है, मतलब बिफोर ट्रेनिंग उनका काम कैसा था, आफ्टर ट्रेनिंग उनका काम कैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड। सो ट्रेनिंग कितना इफेक्टिव हुआ ये फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड्स है, ये भी आप लोग अगर पढ़ोगे तो मेरा जो वीडियो है वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस फाइंड आउट किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छे से पढ़ो और ट्रेनिंग अच्छे से पढ़ना। उसके बाद में ये सारे जो क्वेश्चंस है इसका आपको थोड़ा सा मीनिंग से पढ़ना है अच्छे से। जैसे एचआरडी क्या होता है, तो एचआरडी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और एक चीज याद रखना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आता है, जहां पे आप एम्प्लॉयज को क्या करें, डेवलप कर रहे हो, मतलब उनका करियर डेवलपमेंट कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, ये सब जो होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो ये सिर्फ मीनिंग याद रखना है यहाँ पे। पोटेंशियल अप्रेजल मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय की कैपेसिटी जो होती है उसको अप्रेज करना, मतलब क्या एम्प्लॉय के अंदर कितनी कैपेसिटी है उसका इवेल्युएशन करना। सपोज आपको एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट देना है, मतलब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तुम हैंडल करो, तो प्रोजेक्ट देने से पहले आप क्या करोगे, उसका पोटेंशियल अप्रेजल करोगे, आप ये फाइंड आउट करोगे कि वो एम्प्लॉय के अंदर वो पोटेंशियल है क्या वो प्रोजेक्ट को हैंडल करने का, उसको बोलते हैं पोटेंशियल अप्रेजल। तो इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सक्सेशन प्लानिंग ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, बिकॉज काफी एचआरएम के पेपर में आप लोग ये क्वेश्चन देखोगे, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है ऐसा आप लोग मान सकते हैं, और आपको सक्सेशन प्लानिंग के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ लो, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई की पोजिशन वेकेंट होने वाला है। की पोजिशन का मतलब क्या होता है, हायर लेवल का पोजिशन, जैसे सीईओ हो सकता है या फिर कोई सीएफओ हो सकता है। तो ऐसे बड़े बड़े पोजीशंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में खाली होने वाले हैं, जैसे आपका सीईओ जो है वो जॉब छोड़ के जाने वाला है, या रिटायर्ड होने वाला है, या उसके हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो पोजीशन को भरने के लिए आप लोग क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, मतलब एडवांस में डिसाइड करते हो कि वो पोजीशन को हम लोग कैसे भरेंगे। क्योंकि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल हमेशा फिल्ड अप होना चाहिए। हायर लेवल अगर खाली होगा तो डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपका कोलैप्स हो जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल कॉलेज का देता हूँ, कॉलेज में अगर प्रिंसिपल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली कॉलेज में डिसीजन मेकिंग प्लानिंग वगैरह प्रॉपर नहीं होगा, और कॉलेज का परफॉर्मेंस पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में की पोजीशंस फिल्ड अप होनी चाहिए, भरी हुई रहनी चाहिए। तो उसके लिए जो आप लोग प्रोविजन करते हो, उसके लिए जो आप लोग एडवांस में प्लानिंग करते हो, उसको सक्सेशन प्लानिंग बोला जाता है।
इसके लिए मैंने देखो लिखा है कि सक्सेशन प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस टू फिल अप द की पोजिशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो की पोजिशन खाली होने वाली है उसको फिल अप करने के लिए आप एडवांस में डिसाइड करते हो, क्योंकि ये की पोजिशन मैंने आपको क्या बोला फ्यूचर में खाली हो जाएगा। इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेशन प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस, क्योंकि आपको पता है प्लानिंग मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या एडवांस में डिसाइड किया जाता है? टू फिल अप द की पोजिशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो की पोजिशन है मतलब हायर लेवल की पोजिशन है दैट आर लाइकली टू फॉल वेकेंट इन द नियर फ्यूचर, जो आगे जाके क्या होने वाली है, वेकेंट होने वाली है, मतलब सीओ का पोस्ट है, सीएफओ का पोस्ट है, आगे जाके खाली होने वाला है, और इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो पहले से डिसाइड करने वाले हो ताकि वो आपका जो हायर लेवल का पोजीशन है वो फिल्ड अप रहे, उसको सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। बिकॉज अगर आप लोग ने सक्सेशन प्लानिंग नहीं किया तो क्या होगा, हायर पोजीशन खाली हो जाएगा, हायर पोजीशन खाली होने की वजह से डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा परफॉर्मेंस जो कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर सपोज और कॉलेज को पता है कि प्रिंसिपल रिटायर्ड होने वाले हैं या फिर वो जॉब छोड़ के जाने वाले हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो अभी से ही क्या करना पड़ेगा, दूसरे किसी कैंडिडेट के लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को नीड अच्छे से पढ़ना है कि सक्सेशन प्लानिंग की नीड क्यों है। करियर प्लानिंग में दो चीजें याद रखना, करियर के गोल डिसाइड करना और वो गोल को अचीव करने के लिए रूट डिसाइड करना, मतलब आपको कहाँ तक पहुंचना है। जैसे मुझे मैनेजर बनना है तो मैनेजर बनने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो उसका पूरा रूट आपको डिसाइड करना है। सो आपने क्या क्या करियर गोल बनाया कि मुझे मैनेजर बनना है, और मैनेजर बनने के लिए फिर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो मुझे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे एक क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा, तो ये सब मेरा क्या है, करियर गोल को अचीव करने का रूट है। तो दो चीजें याद रखना, डिसाइडिंग करियर गोल एंड डिजाइनिंग द रूट टू अचीव दोज गोल्स, मतलब वो गोल को अचीव करने का एक रास्ता बनाना या जरिया फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, उसको करियर प्लानिंग बोलते हैं। मेंटोरिंग सिंपल सा आपको याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं और जूनियर एम्प्लॉयज होते हैं। जूनियर एम्प्लॉयज को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग क्या करते हैं, सीनियर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज के पास जाते हैं और अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो उनको सॉल्यूशन देते हैं। सो जो सीनियर एम्प्लॉय है या एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज, उसको मेंटोर बोला जाता है। आपने मेंटोर शब्द काफी बार सुना होगा। सो मेंटोर ऐसे पर्सन होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सीनियर होते हैं, उनको काफी ज्यादा पता होता है। दूसरे होते हैं मेंटी। मेंटी का मतलब क्या होता है, जो जूनियर है या फिर जो अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुए हैं, तो उनको जो भी डाउट होगा, जैसे कि अगर सपोज किसी प्रोजेक्ट में वो लोग अटके हैं, कहीं पे वो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो मेंटोर को जाके बोल सकते हैं। और मेंटोर कैसे एक्सपीरियंस्ड है, तो वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करेंगे, वो जो मेंटी है उसको गाइड करेंगे। इस प्रोसेस को मेंटोरिंग बोलते हैं। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटोरिंग होना काफी जरूरी है। जैसे कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल जो होते हैं वो टीचर्स के लिए मेंटोर होते हैं। टीचर्स को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्रिंसिपल के पास जाते हैं, तो प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन है, मेंटोर है। और टीचर्स को उन्हें सपोज वो प्रिंसिपल से थोड़े से लेस एक्सपीरियंस्ड है या प्रिंसिपल से जूनियर है, तो जो भी उनको हेल्प लगती है वो लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे सीनियर एम्प्लॉय जो है वो जूनियर एम्प्लॉयज को यहाँ पे असिस्ट कर रहे हैं, उसको ही मेंटोरिंग बोला जाता है। उसके क्या फायदे होते हैं वो याद रखना है। काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ पे बताऊंगा कि ये क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा पूछे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पोटेंशियल अप्रेजल की इम्पोर्टेंस पूछे हैं, सक्सेशन प्लानिंग की नीड मतलब भी इम्पोर्टेंस ही हो गया, करियर प्लानिंग की इम्पोर्टेंस पूछे हैं, मेंटोरिंग की इम्पोर्टेंस पूछे हैं। अभी देखो किसी का भी इम्पोर्टेंस अगर आएगा तो उसमें कुछ पॉइंट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट इमेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय हो सकता है, या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है। ये सारे पॉइंट हर एक इम्पोर्टेंस के अंदर आप लोग लिख सकते हो। सो आप लोग अभी ही नोट करके ले लो, कॉर्पोरेट इमेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, टीम वर्क, एम्प्लॉय मोटिवेशन, देन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये कॉमन पॉइंट्स है जो सेकेंड चैप्टर में या इस पूरे बुक के अंदर कहीं पे भी आप लोगों को किसी के भी इम्पोर्टेंस पूछेंगे तो आप लोग ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अभी हम लोग लास्ट वाला टॉपिक देखते हैं जो है काउंसलिंग। ये अगर आपको शॉर्ट नोट में आया तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है कि कभी अगर किसी को कोई इमोशनल प्रॉब्लम वगैरह होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका जो प्रॉब्लम होता है उसको डिस्कस किया जाता है और उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, तो उसको काउंसलिंग बोला जाता है। अभी यहाँ पे तीन तरीके के काउंसलिंग होते हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और कोऑपरेटिव।
डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होता है उसका मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई जब छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एम्प्लॉई एब्सेंट रह रहे हैं या फिर उन लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो ये सब जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए एचआर मैनेजर डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज कर सकता है। यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो एम्प्लॉय का काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, एम्प्लॉय के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि उसका बिहेवियर क्यों चेंज हुआ है, वो क्यों एब्सेंट रह रहा है, और फिर उसको सॉल्यूशन बताना है कि ये प्रॉब्लम में से वो कैसे ओवरकम कर सकता है। सो डायरेक्टिव काउंसलिंग काफी सिंपल होता है, इसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं एम्प्लॉयज के, इसके लिए ये काउंसलिंग किया जाता है, और इसके लिए प्रोफेशनल लोगों की जरूरत नहीं होती है, मेरे जैसे आपके जैसे कोई भी इंसान जो डायरेक्टली काउंसलिंग कर सकता है। यहाँ पे काउंसिलर ही क्या करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसको सॉल्यूशन बता देता है, और वो जो काउंसिली है या जो भी पर्सन प्रॉब्लम है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। डायरेक्टिव काउंसलिंग इसके अपोजिट होता है, इसमें थोड़ा सा एम्प्लॉय को क्या है, सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे कि अल्कोहलिक हो चुका है, ड्रग्स वगैरह लेने लग गया है, या बहुत एग्रेसिव बिहेव करता है, या उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गया, ऐसा बड़ा जब प्रॉब्लम होता है तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज किया जाता है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के लिए आप लोगों को प्रोफेशनल काउंसिलर्स को ही हायर करना पड़ता है, बिकॉज ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग उसके साथ डिस्कस करोगे और उसने शराब छोड़ दी या फिर ड्रग्स वगैरह लेना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आप लोगों को प्रोफेशनल लोगों को हायर करना पड़ेगा, और फिर वो लोग क्या करेंगे, उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके, उसके साथ डिस्कशन करके, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद ही सर्च करेगा और वो प्रॉब्लम में से बाहर आएगा। उसको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बोला जाता है। सो डायरेक्टिव काउंसलिंग छोटे से प्रॉब्लम्स के लिए होता है और इसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं होती और ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए होता है, इसके लिए प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ती है, और ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए होता है, वो आपको याद रखना है। और कोऑपरेटिव में क्या होता है, दोनों मिलके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए इसको कोऑपरेटिव या पार्टिसिपेटिव काउंसिलिंग बोलते हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें जो भी काउंसिलर और काउंसिली दोनों भी मिलके क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ये चैप्टर के बारे में इन शॉर्ट मैं आप लोगों को वापस से बताता हूँ। परफॉर्मेंस अप्रेजल के तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ट्रेनिंग के आप लोगों को मेथड्स पढ़ने हैं, और ट्रेनिंग के इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करने के मेथड्स पढ़ने हैं। बाकी सारे इतने जो क्वेश्चन है इसका सिर्फ मीनिंग याद रखना है, और सब में मोस्टली आप लोगों को क्या है, इंपॉर्टेंस दिए हैं, तो इंपॉर्टेंस के लिए मैंने आपको कॉमन पॉइंट दिए है। किसी का भी इंपॉर्टेंस पूछेंगे तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कॉर्पोरेट इमेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय मोटिवेशन, उसके बाद में टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये सारे कॉमन पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो। काउंसलिंग का थोड़ा सा आप लोगों को टेक्निक जो है याद रखना है, वो कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया। सो ये चैप्टर भी आई होप आप लोगों का अच्छे से याद हो सकता है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ही रुक रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ मॉड्यूल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। दूसरा मुझे ये देखना है कि आपको यहाँ तक कितना समझ में आया है, यहाँ तक आप लोग कोपअप कर पा रहे हो कि नहीं, यहाँ तक जो भी मैंने आप लोगों को बताया उसको आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो कि नहीं। एक याद रखना, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, सबके कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आएगा ही हर एक टॉपिक के बारे में। और मैं आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा बुक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, उसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़ सकते हो, फिर कॉन्सेप्ट वगैरह कैसे याद रखना है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो पहले आप लोग ये दो मॉड्यूल अच्छे से पढ़ना, ये दो मॉड्यूल अगर आप लोगों के अच्छे होते हैं तो मुझे आप लोग क्या करो, कमेंट में लिखो कि ये सर वी आर डन विद द बोथ मॉड्यूल्स, फिर बाद में आप लोगों को थर्ड और फोर्थ मॉड्यूल जो है मैं बताऊंगा। और हो सके ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग पहुंचाने की कोशिश करो, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा पढ़ाई में हेल्प हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। थर्ड और फोर्थ मॉड्यूल के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।